की थी, हमारी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन किसी ने धोखे से बुलाया इसको, धोखे से बुला के इसको मारा और बुरी तरह से मर्डर। इतना शेर बंदा, चार के साथ कल्ला लड़ने वाला, किसी को ऊंची आवाज में बोलने वाला नहीं, कभी लहसुन प्याज नहीं खाया हमारे भाई ने। हाय, मेरा तो महात्मा बंदा था, मेरा तो देवता बंदा, सारी रात मर गए हम तो ढूंढ ढूंढ के। सच्चा कान कटा पड़ा है, मुंह ठारा सोचो, चोट लगी हुई है, बाजू पे चोट लगी हुई है, यहाँ चोट लगी हुई है, कमर पे चोट लगी हुई है, बाजू पे चोट लगी हुई है इसकी। अब अंदर जाके देखो क्या हाल किया है, मारा हुआ है बंदा किसी ने, डेड बॉडी पुंडरक नहर में मिली है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारा किसी के साथ, कोई दुश्मनी नहीं। नमस्कार, कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पुंडरक नहर से एक शव बरामद होता है और उसकी पहचान उस वक्त नहीं थी, अननोन बॉडी, लेकिन अब पहचान हो चुकी है और परिवार यहां पर पहुंच चुका है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उस परिवार पर क्या कुछ बीत रहा है। 47 वर्षीय मनोज सुखीजा जी बताए जा रहे, जो जागरण पार्टी का काम करते थे और कल घर से जागरण पार्टी का काम कहकर ही घर से निकले थे, लेकिन आज जो है सुबह उनका शव बरामद होता है पुंडरक नहर पर। कल सारी रात उन्हें ढूंढा जाता है, मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई जाती है, लेकिन आज इस तरह से शव बरामद होना, आप लोग देख सकते हैं परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। हम परिवार वालों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वहीं जो पुलिस यहां पर पहुंचेगी, पुलिस से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वहीं जो आरोप लगाए जा रहे, क्योंकि जिस तरह से चोटों के निशान बताए जा रहे हैं उनके चेहरे पर है, और इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। घर वाले को कहते हैं मैं कहीं काम जा रहा हूँ, अब भी आता हूँ, तुम आरती कर लो। भाभी ने फोन करा 6:30 बजे, आप आ जाओ, आरती का टाइम है। कहते तुम आरती कर लो, मैं कहीं बैठा हूँ, आ रहा हूँ। फिर बेटे ने फोन करा, मेरे भतीजे ने, इसके पूछा पापा आप कहाँ हो, पैदल हो, मैं ले जाता हूँ। इसको कहते बेटा मैं आ रहा हूँ, तुम चलो बैठो, तुम आरती उरती कर लो। 7 बजे के बाद तो फोन स्विच ऑफ। आपको पूरा नाम शक है, किसी भी शक है, जैसे आप कह रहे हैं मर्डर किया गया, उनका कुछ शक है? किसी ने बुलाया है जी ऐसा है, परसों जागरण हुआ, पर सुनो मैं बता रही हूँ, शक है जी, परसों जागरण वो थी ग्रोंडा के अंदर चौंकी थी, हमारी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन किसी ने धोखे से बुलाया इसको, धोखे से बुला के इसको मारा और बुरी तरह से मर्डर। इतना शेर बंदा, चार के साथ कल्ला लड़ने वाला, किसी को ऊंची आवाज में बोलने वाला नहीं, कभी लहसुन प्याज नहीं खाया हमारे भाई ने। हाय, मेरा तो महात्मा बंदा था, मेरा तो देवता बंदा, सारी रात मर गए हम तो ढूंढ ढूंढ के। रात को गए थे, वो बोले जी सुबह FIR लूज करेंगे, वर्बली एप्लीकेशन रख ली थी नो सेंटर वालों ने। हमने सारा ढूंढा, सारे बस स्टैंड, सारी गली, सारी पार्के, सारे हॉस्पिटल, यहाँ भी आए हम तो रात को, हम यहाँ भी देख गए, हमें तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। मारा तो भाई मार दिया, उजाड़ दिया मार को, उजड़ गए हम तो, मेरा शेर भाई चला गया। मनोज जी के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं क्या हाल हुआ है, सब पर दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ा है। इस तरह से उनकी डेड बॉडी जो है बरामद होती है, कल से लापता थे, परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह से डेड बॉडी जो मिली, कल से आप लापता थे, ढूंढ रहे थे? हाँ, हम कल से ढूंढ रहे हैं इनको, और हमने पर्चा भी दर्ज कराया, सारा रात हमने ढूंढा, मार को कहीं नहीं मिले। सुबह आशियाना वालों के यहाँ ले आए उठा के, और यहाँ से फोन गया है, उस फेसबुक पे डाली है फोटो उन्होंने, भैया आके अपने देख लो, हमने आके देखा हमारा ही बंदा है ये, इनका सज्जा कान कटा पड़ा है, मुंह ठारा सोचो, चोट लगी हुई है, बाजू पे चोट लगी हुई है, यहाँ चोट लगी हुई है, कमर पे चोट लगी हुई है, बाजू पे चोट लगी हुई है इसकी। अब अंदर जाके देखो क्या हाल किया है, मारा हुआ है बंदा किसी ने, डेड बॉडी पुंडरक नहर में मिली है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारा किसी के साथ, कोई दुश्मनी नहीं हमारी। मनोज जागरण करता है, स्क्वीज़ एंड पार्टी है उसकी, मनोज स्क्वीज़ एंड पार्टी। घर से यही कहते भाई हमें अभी आ रहा हूँ, हमें कभी किसी पे शक नहीं है। 5:30 बजे कुमार की दुकान में बैठे थे दवाइयों वालों की, उसके बाद से इन्होंने हमने फोन किया घर से, इन्होंने बोला है भाई मैं किसी के बाद बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये कल 4:30 बजे घर से आए हुए हैं, 5:30 बजे कुमार की दुकान पे थे, उसके बाद 6:30 बजे इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पूरी कंप्लेंट कराई हमने इनको, ढूंढा सारी जगह, ढूंढते रहे कहीं नहीं मिले। क्या लगता है, मारा है कि बिल्कुल मारा हुआ है? आप देखो चोट लगी हुई है, मुंह सारा टूटा हुआ है,
कान कटा, सज्जा कान कटा हुआ है, यहाँ पे चोट लगी हुई है, यहाँ पे चोट लगी हुई है, बाजू टूटी हुई है, चोट लगी हुई बाजू पे, कमर पे मारी, किसी ने कोई रंजिश नहीं है। हम चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिले, हमारे पता लगे भाई मारा किसने है, बस ये बता दो मारा किसने है। आगे तो मेरा नाम सतीश कुमार है, मनोज कुमार है, 47 एज है उनकी, मैं उनका चाचा हूँ, ये उनके पापा आ गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, परिवार सिर्फ यही मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पिता देख सकते हैं कि पिता की क्या हालत है, किस तरह से क्या बीत रही है उनके ऊपर, इस तरह से बेटे की मृत्यु हो जाना, जो कल से लापता थे उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं पोस्टमार्टम में क्या कुछ उनका पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है और काफी दुखी है सभी लोग यहाँ पर। 47 वर्षीय मनोज पिता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हम तो त्रावड़ी से हैं, नहीं तो क्या पता लगा आपको? हमारे पास फोन आया था रात 12 बजे। अच्छा, क्या कहा? तो वो कह रही है कि यहाँ से ऐसे जाना, वो घर से जा लिया है और अभी तक मिल नहीं रहे। बच्चों को पता हुआ ये जो बता रहे थे? हम तो बता रहे त्रावड़ी से ना, हमारे को तो ये कह रहे थे भी, कह रहे अगर अभी कोई मिल नहीं रहे, हम सारे ढूंढ रहे हैं। वो तो अभी फिर थाने में दर्ज कराया, उसके बाद फिर हैं हत्या कह रहे होगी, हत्या कर दी किसी तो वो। हाँ, अब तो हालात तो हत्या की हैं, जैसे पोजीशन है, हालात तो हत्या की दिख रहे हैं, साफ लग रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? रामदयाल। हाँ जी, परिवार में बहुत हैं, 5 लड़के थे, 5 बुएं हैं, 10 बच्चे हैं, माँ बाप हैं। मनोज जी के कितने बच्चे हैं? 2। आप लोग देख सकते हैं जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष किस तरह से सब रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लापता थे, घर से ये कहकर निकले थे कि मैं अभी काम से जा रहा हूँ, 4:30 बजे घर से निकले, और उसके बाद किसी केमिस्ट शॉप पर भी देखा गया है, और उसके बाद फोन पर भी बात हुई है कि आप लोग आप आ जाओ, और कहा गया कि मैं आ जाता हूँ भी थोड़ी देर तक, तुम इतना आरती करो, चाय पियो, मैं आता हूँ। लेकिन 6:30-7 बजे के तकरीबन उनका फोन भी स्विच ऑफ बताया जाता है, रात को पूरी रात ढूंढते रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। लेकिन आज सुबह जो है पुंडरक नहर पर उनका शव बरामद होता है, और बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पुलिस भी पहुंची हुई है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, पहुंच चुके उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली आप? कैसे हत्या बताई जा रही है, क्या मामला है? सुबह करीब 8 बजे हमारे पुंडरक नहर से सूचना मिली थी, जिस पर हम डेड बॉडी अननोन के वहाँ पर उठा के ले आए थे, और जिसको डेड हाउस में रख दिया। ये आरकेपुरम के मनोज सुखीजा का परिवार वाला यहाँ पर आया, जिन्होंने अपनी शिनाख्त की है, और ये बता रहे हैं कि भाई इसको कोई हमें किसी आदमी पर शक है, और जो भी चीज़ है इन्होंने इसके संबंध में मुकदमा दर्ज सेक्टर 9 में गुमशुदगी का करवाया हुआ है। ये भी जो भी ये इनकी क्वारी होगी और उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जागरण पार्टी में काम करते थे कोई? हाँ, ये परिवार वाले बता रहे, भाई परिवार ने शिनाख्त कर लिया, जागरण पार्टी में काम करते थे। अभी परिवार की तरफ से जो भी हमारे को लिखित में सरकार शिकायत प्राप्त होगी, जो जो इनके डाउट होगा, उन डाउटों पर ध्यान रखकर कार्रवाई की जाएगी। कान वगैरह कट रहे हैं उनके? हाँ, डेड बॉडी के कान वगैरह तो कटे हुए हैं, दिख रहे हैं वो, कुछ इन्वेस्टिगेशन और ये बात कहना मुश्किल है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कैसे कटे या किसी पानी में डेड बॉडी पड़ने की वजह से किसी जानवर के द्वारा खाई गई। क्या सामने आया, कुछ हो सकता है आशंका? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, जांच तो जांच के बाद ही पता लगेगा, पोस्टमार्टम के बाद ही डाइटम टेस्ट होता है उसके बाद। अब तो हमारी सेक्टर 9 और 32-37 SHO भी मौके पर आ गए हैं, जिसकी तरह से ये हमारी जो स्टेटमेंट देंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मिसिंग की जो फाइल थी वो भी कल दर्ज की गई थी, और आज सुबह 8 बजे जो है अननोन बॉडी पहले ये बरामद की जाती है पुंडरक नहर से। उस वक्त पता नहीं होता कि कौन ये व्यक्ति है, लेकिन अब पहचान हो चुकी है, क्योंकि परिवार ने मिसिंग कंप्लेंट कल दर्ज करवाई हुई थी, और पुलिस यहाँ पर इन्हें बुलाती है कि एक बार देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, और पता चलता है मनोज सुखीजा जी, जिनकी उम्र तकरीबन 47 वर्षीय है, आरकेपुरम में जो रहते हैं, जागरण पार्टी का काम करते थे, और कल घर से यही कहकर निकले थे कि मैं काम के लिए निकला हूँ 4:30 बजे। उसके बाद उन्हें एक केमिस्ट शॉप पर भी देखा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है उनका फोन भी स्विच ऑफ जाता है, और उसके बाद पूरी कंप्लेंट की जाती है, पूरी रात ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। और आज इस तरह से उनका शव बरामद होता है, जो परिवार है उनका आरोप लगाया जा रहा है कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि उनकी कान जो है बताया जा रहा है वो कटा हुआ है, और चोट के निशान जो है इस तरह से देखे जा रहे हैं। बाकी पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस ने कहा कि कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है, जो परिवार वाले कहेंगे उसके अकॉर्डिंग पूरी कार्रवाई की जाएगी और पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा अगर परिवार इस तरह से आरोप लगा रहा है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़।